नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। है ना, शाम का समय हो चुका है, लाइट बहुत डिम है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। है ना, और मेरे साथ सुकांत सर भी हैं, थोड़ा सा इनका परिचय देंगे। सर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे कि ये अपन कहाँ पर हैं और किस जगह पर किनसे मुलाकात हो रही है। है ना, नमस्ते हरीश जी। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, राजस्थान में हम आज हैं मंगलियावास। जी जी, और मैं सभी उन किसान दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ कि एक्चुअल हम तो पशुपालक है, लेकिन आप लोगों के प्यार ने, मोहब्बत ने हमें बहुत कुछ आगे बढ़ा दिया। और आज जिस हम किसान से मिल रहे हैं जी, उनका नाम है नौरज जी गुजर और मंगलियावास में है ये। जी जी, मंगलियावास अजमेर और ब्यावर के बीच में एक स्टेशन आता है मंगलियावास। जी जी, और वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं एक्चुअल सिरोही क्या है। जी, और एक हमारा जो व्हाइटिश कलर का जो सिरोही का जो पेचिस जो कलर है, हाँ, उस कलर के बारे में हम आपको डिटेल देंगे और आपको एक हेवीएस्ट बकरी आपको दिखाएंगे। देखिए इस बकरी का बॉडी वेयर देखिए आप, ये द पार्ट ऑफ सिरोही, ठीक है। मान लीजिए इस बकरी की भी हाइट है 36 या 37 इंच, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हेवी है। जी जी, ठीक है। ये बकरी 2 से 3 बच्चे देने की कैपेसिटी रखती है और वो भी हेल्दी बच्चे। जी जी, तो हमारा जो अनुरोध है किसानों से, निवेदन ये है कि जब तक आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं होगी, जब तक आपके पास अच्छा सीड नहीं होगा और जब तक आपके पास अच्छा फीड नहीं होगा, जी जी, तब तक आप एक अच्छी बकरी तैयार नहीं कर सकते। तो आगे की जो विवरण जानकारी है वो नौरज जी खुद एक पशुपालक हैं, किसान हैं, और हमें उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि नमस्कार नौरज जी, देखने को मिली। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सर, कब से बकरी पालन कर रहे हैं आप? मैं जन्म से ही बकरी पालन कर रहे हैं। मेरा खानदान वैसे ही वो बकरी करना था। सर, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे किसानों को ऐसी कौन सी जानकारी देना चाहेंगे जो उनके लिए, मतलब नस्ल के बारे में? नस्ल के बारे में मतलब सर, मतलब यानी जैसी नस्ल मांगेगा ना जी, वो नस्ल मतलब बता देंगे हम। जी जी, जैसे सिरोही नस्ल किसी को तैयार करनी हो, तैयार करनी हो तो मतलब यानी वो अपने से संपर्क करो। जी जी, कैसे कर सकते हैं सर, किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको? वो मतलब यानी ध्यान रखना चाहिए बकरी का मामला में, मतलब यानी जैसे बकरा से मतलब नहीं होता है। जी जी, बकरा का मतलब यानी वो जानवर छाना नहीं रहता, मतलब कि वो बकरी, वो बकरा कौन सा है, मतलब अब नज़र से मालूम पड़ जाता है कि ये रखने वाला है बकरा कि ये नहीं है। जी, इसलिए मतलब कहने का अर्थ ये होता है जी कि बकरी का जब बच्चा पैदा होता है, तब पैदा होते ही पता लग जाता है ये क्वालिटी है या अनक्वालिटी है। तो कैसे, वो वही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि सर कैसे अपन पता कर सकते हैं, कोई अनजान किसान कैसे उस चीज़ को पहचाने कि भाई ये रखने वाले क्या क्या खूबियाँ होती हैं उसकी? जैसे कोई एक बकरी आप मुझे पकड़ के दिखाएं, उसके बारे में बताएं कि ये बेहतर क्वालिटी आगे चल के बनेगी, सिरोही की बेस्ट बकरी बनेगी, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अरे सिरोही की सर बताता हूँ मैं आपको, मतलब कहने के जैसे मतलब कहनी वो ज्ञानी मतलब कंप्यूटर मतलब कहनी वो ग्वाल का वो मतलब शर्मा है जी, कि जैसे मतलब कहने जो जैसा कलर करता है ना, हाँ, जैसा भी कलर हम करवा देते हैं बकरा से, मतलब कहने बकरा के अंदर मतलब ऐसी दुआई देते हैं, हाँ, तो मतलब कहने वो बकरा ही मतलब कहने वैसा भी मतलब कहने जैसा। हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन किसानों से मिली है। ये सपोज कीजिए जैसे ये हमारी प्लेन कलर की सिरोही है, सिरोही का कई लोग कहते हैं जैसे डॉटेड कलर में पहचान है, हाँ, जी, लेकिन ये प्लेन कलर की सिरोही है। जी जी, लेकिन इस प्लेन कलर की सिरोही से अगर आपका ब्रीडर बहुत अच्छा है, हाँ, और डॉटेड कलर का है, हाँ, हाँ, मान लीजिए ब्रीडर का कलर येलो है जी, लेकिन इस बकरी का कलर ब्लैक शाइनिंग का है, हाँ, और आप ये चाहते हैं कि मुझे येलो से ब्लैक शाइनिंग वाला डॉटेड कलर का भी बच्चे तैयार हो, तो इस ये नुस्खा आपको ये बताएंगे जी, कि वो ऐसा कौन सा नुस्खा है जिस तरह से हम इस तैयार कर सकते हैं, अपने मन पसंद कलर हम अपने बकरियों पे ले सकते हैं और हम मन मुताबिक वो चीज तैयार कर सकते हैं। जी सर, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। ये चीजें हरीश जी मुझे तो कब मिली? मतलब कि वो तो बता देंगे, हाँ जी, क्यों मतलब कि जिसके ऐसे मतलब कि बकरिया बार जैसे बच्चा इसके पैदा होगा ना जी, तो पीला कलर में होगा तो वो मतलब कि बहुत टॉप का बच्चा होगा जी, है नहीं? और वो बात तो मैं डॉक्टर साहब ने बता दी, मतलब कि वो कैसे होना और कैसे नहीं होना है, और फिर मतलब कि वो डॉक्टर साहब से हम डॉक्टर साहब कर लेगा मेरे से।
नहीं, थोड़ा सा आप जैसे वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा किसानों के बारे में बताएं कि आखिर क्या चीज का ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल तो ऐसे है, मतलब यानी 11 करोड़ मतलब खिलाई पिलाई पर है, मतलब वो जानवर को थोड़ा शौक का जानवर रखो जी, तो सोमा मतलब थोड़ा आगे बढ़ो जी जी, तो भी क्या मतलब जितनी अपने मतलब कहने का मतलब है, शौक का मतलब होता है बॉडी शाइनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जानवर की, बॉडी वेट बहुत अच्छा होना चाहिए और बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे सर मतलब सोना मतलब क्या नहीं वो बहुत बड़ा होता है, केसर वो छोटी सी होती है, मतलब बिल्कुल होती है ना। तो जैसे कहने का मतलब गुण मतलब केसर, केसर महसूस किया जी, केसर के अंदर कितना गुण होता है जी, जी। तोले के हिसाब से बिकती है वो, तो गुण ज्यादा आपको ये होना चाहिए कि आप और केसर की तरह बनाइए। थोड़ा सा जैसे ये बकरी खड़ी है पास में, इसमें इसको पकड़ के थोड़ा सा बताए ना कि क्या मतलब होते ये पहचान, एक्चुअली किसान किसको क्या पकड़े। अरे देखो किसान क्या करे बकरी को, मतलब बकरी तो बकरी मतलब पालनी है, मतलब तो अपन मतलब शौक कर पालो ना। हाँ शौक से ही सब कोई पालते हैं, कर पालो है ना। तो अब उस टाइम पे कैसे मतलब वही मैं जानना चाहता हूँ, कैसे तैयार करें थोड़ा सा। तैयार मतलब ऐसा करो, मतलब यानी कि जब मतलब बकरा छोड़ो 12 महीने में एक बार, 12 महीने में एक बार, एक बार बकरी के पास, बकरी के पास जी जी। तो फिर मतलब यानी उसकी मतलब वो बच्चे ने मतलब खिलाई पिलाई वो थोड़ी ठीक करो, बकरा भी खिलाई पिलाई पे तगड़ा होना चाहिए। खिलाई पिलाई नहीं, बकरी को मतलब बकरी भी और बकरा भी दूध पिएगा जब, तो बकरा बच्चा पड़ेगा ना जी जी। लिए तो जो बच्चे जो शुरुआत से तैयार होते हैं उनको मतलब शुरुआत से ही हमको ध्यान देना चाहिए, जो ब्रीडर बना शुरुआत से सबसे पहले ध्यान देना चाहिए जी जी। शुरुआत से मतलब यानी अच्छा पौधा को बकरा मतलब वो बीज बकरा होता है ना जी, वो मतलब अच्छा पौधा को बकरोड़ा जी। वैसे नहीं मतलब बड़ा हो गया, घना बड़ा होता है मतलब, तो वो बड़ा से नहीं माना जाता है, मतलब कि वो बड़ा से शौक नहीं होता है जी। आपने बोल दिया कि केसर मतलब वो गुणों से जाना जाता है, गुणों से जाना जाता है, गुण अच्छे होने चाहिए, गुण अच्छे होने चाहिए, बाकी बड़ा छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है। बड़ा तो मतलब ये पहाड़ है, ऊंट होता है बड़ा जी, बाकी जानवर मतलब जैसे इन किसानों की बातें मैं आपको समझाता हूँ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, सिरोही जानी जाती है अपनी बॉडी शाइनिंग के लिए, सिरोही जानी जाती है अपनी बॉडी वेट के लिए। जैसे आज वो बकरी देखी आपने, वो 80-90 किलो की नॉर्मल बकरी है। हाँ जी ठीक है, उसके ऐसा नहीं है कि आप ना आप हमने उसको बादाम खिलाया, काजू पिस्ता खिलाया, उसकी नॉर्मल डाइट पेड़ पौधों पर जिंदा रही है वो। हाँ जी ठीक है, लेकिन आपका पशु के प्रति लगाव होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और आप अगर ना तो भी उसका बॉडी वेट गेन करता है वो भी जानवर, ये बच्चा है अभी मतलब कहने, तो वो अगली साल देख लेना मतलब कहने ये बकरियां के ऊपर अगर जाएगी ये। हाँ तो ये जो चीजें है आपको ध्यान रखना विशेष जरूरी है, ये बकरियां मतलब कहने अगली साल डबल मर जाएगी ये बच्चे है ना जी। तो ये खुराक का और रहन सहन का बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर और इनसे जो जानकारी लगी, आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और है ना डॉक्टर साहब संपर्क कर लेगा फिर जी जी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक इसे शेयर करने की है ना कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।